इधर स्क्रीन ऑन। किसी का फर्स्ट लेक्चर तो नहीं है, मींस कोई डायरेक्टली क्लास में तो नहीं आया, लास्ट लेक्चर सबने अटेंड किया हुआ है। चलो ठीक, वे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला हमने किया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरा हमने किया डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट 5, 7 कुछ भी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और फिर हमने किया डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पावर एक्स रेज टू पावर मान लो 4, पावर नीचे एक्स की पावर एक कम करनी है दैट इज 3, और पावर पे अगर हाथ रखा जाए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय dx बाय dx व्हिच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आंसर है, ये किया हमने। और इसके बेस पे d बाय dx ऑफ x रेज टू पावर 8 d बाय dx ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ x d बाय dx ऑफ क्यूब रूट ऑफ x। स्टार्ट करो, पावर रूल लगाओ, बोलो एक ही बात है, ब्रैकेट ही लगाया है, एक ही बात। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स, लास्ट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स की जो ये रूट है वो थर्ड रूट है। चलो ठीक, चेक करते हैं। फर्स्ट इसकी पावर इज 8, एक्स रेज टू पावर 7, और पावर पे हाथ रखेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, तो डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू 1, तो आंसर इज 8 एक्स रेज टू पावर 7। सबको ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर इज हाफ, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस हाफ। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अंडर रूट ऑफ एक्स जब ऊपर गया न्यूमिनेटर में तो एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। अब रूल लगाते हैं, पावर क्या है? माइनस हाफ। एक्स की एक पावर माइनस हाफ क्या कर दें? रिड्यूस, माइनस 1। तो पावर नीचे उतर गई, एक माइनस कर दिया पावर में से, इनटू माइनस हाफ पे हाथ रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर क्या बचेगा? डीएक्स बाई डीएक्स विच इज इक्वल टू 1, तो माइनस हाफ एक्स रेस टू पावर माइनस 3/2। क्या स्टेप क्लियर है? तो जो भी पावर है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जो भी है उसको नीचे उतार लें, एक्स की पावर जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। डन, यहां तक ओके। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मतलब होता है एक्स रेस टू पावर 1/3, क्यूब रूट मीन्स 1/3, तो पावर कितनी है? 1/3, एक्स की जितनी भी पावर है रिड्यूस्ड बाय 1, और 1/3 पे हाथ रखेंगे तो इनटू क्या आएगा? dx by dx which is equal to 1, तो 1/3 x raised to power यहां पर क्या आएगा? माइनस 2/3, इसको एलसीएम ले लेना, माइनस 2/3। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो पावर रूल एकदम क्लियर, क्योंकि आज यूज होने वाला है तो एकदम हाथ सही चलना चाहिए, और पावर दिख रही है कि पावर नीचे उतार के उस पावर जो भी टर्म है उसकी पावर चल रही है उसमें से 1 को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट फॉर्मूला या नेक्स्ट रूल इज
डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं पहले, अगर डिफ्रेंसिएशन दो टर्म्स की डिफ्रेंसिएशन है, उनमें से एक कॉन्स्टेंट है और एक वेरिएबल है, और डिफ्रेंसिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ऐसे केस में जो कॉन्स्टेंट है वो डिफ्रेंसिएशन के बाहर आ सकता है, कॉमन बाहर आ गया, तो आपके पास बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। पहला क्वेश्चन जो माइंड में ये आता है कि ये तो कॉन्स्टेंट है, और जबकि मैंने ये करवाया था कि d by dx of constant की differentiation क्या होती है, zero। मैंने कहा बिल्कुल सही ही कहा था, constant differentiation zero होती है, पर ये actual में पूरी तरह constant नहीं है, because constant को variable से multiply कर रहे हैं, तो दो terms हैं। clear है यहाँ तक? तो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें constant के साथ variable multiply हो रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ constant है। क्लियर यहां तक? फिर दूसरा क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये आता है कि चलो फिर ऐसे क्यों नहीं किया, कॉन्स्टेंट्स को तो डी बाई डी एक्स के बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 को भी बाहर निकाल दो, तो निकाल दो, 5 बाहर आ गया, तो बोलो क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 5 इंटू 1 इज 5, पर 1 इज अ कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन इज, तो अल्टीमेटली 1 करो या 5 करो, आंसर तो इसमें 0 ही आना है, बट जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आएगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है और वेरिएबल को नहीं निकाला जा सकता, बिकॉज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल एक्स चल रही है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट का मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, और इसकी पावर क्या चल रही है, 4। ये पुराना क्वेश्चन है जो अभी किया, पुराना क्वेश्चन क्या, 5 इंटू पावर क्या है 4, एक पावर क्या कर देंगे कम, तो क्या आएगा 3, और पावर पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा डी एक्स बाय dx, वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 20 इंटू एक्स की पावर 3। ये पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो अगर एक कांस्टेंट और वेरिएबल दो इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, वेरिएबल की आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है यहां तक? तो आप इसे एक बार एक एग्जाम्पल को नोट कर लें और फिर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं, आप प्लीज इसे सॉल्व करें। d by dt of 7t raised to power 8 d by dy of 7 into under root of y d by dx of 7 divided by under root of x। तो सब में कांस्टेंट आ रहे हैं, आप चेक कर रहे हो 7, तो सारे कांस्टेंट्स बाहर निकाल ले जा सकते हैं, और बचे हुए टर्म पे क्या लगेगा, पावर रूल। तो शुरू करो, d by x of 7 divided by under root of x।
सबसे पहला रूल फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लगाया, 7 कांस्टेंट, d by dt of t raised to power कितना 8, 7 into power क्या है 8, एक power क्या करेंगे कम, तो 8 into t raised to power 7 into 8 पे अगर हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा dt by dt, dt by dt क्या होता है 1, बताया था ना 8 पे हाथ रखेंगे तो further derivative dt by dt जिसकी value 1, तो answer आएगा 56 t raised to power 7. पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट इज 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, d by dy of अंडर रूट ऑफ y, 7 into d by dy of y raised to power 1 by 2, तो अंडर रूट ऑफ y में y की पावर क्या चल रही है 1 by 2. नेक्स्ट इज 7 into पावर नीचे, पावर नीचे y की जो भी पावर है -1, तो यहां पर हाफ नीचे y की पावर -1 into हाफ पे हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा dy by dy which is equal to 1, तो आंसर इज 7 by 2 into y raised to power -1/2. क्या स्टेप क्लियर है, तो पावर जो है हाफ नीचे, y की पावर 1 से क्या कर देंगे सबट्रैक्ट. कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक. नेक्स्ट इज 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, d by dx of 1 by under root of x, 7 into d by dx of x raised to power -1/2, क्योंकि under root x का मतलब है x की power 1/2, और अगर ये numerator में जाएगा तो x की power -1/2, तो बाकी question पुराना है, तो 7 into power क्या है इसमें -1/2, x की power -1/2 -1, तो 7 ऐसे लिखा -1/2, x की जो भी पावर है माइनस, उसमें से क्या माइनस किया -1, पावर पे हाथ रखा तो क्या बचा dx by equal to 1, तो आंसर इज -7 by 2 x raise to power -3/2. तो आपको ये स्टेप समझ में आ रहा है कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना, आपने कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेना है और बाकी पावर रूल लगा के अपना आंसर निकाल लेंगे. ठीक यहां तक, तो ये फार्मूला भी क्लियर हो गया. ठीक, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, बात खत्म. ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं फिर, नेक्स्ट फार्मूला या नेक्स्ट टेक्निक. लेट अस सपोज, मैं फार्मूला बाद में लिखूंगा, पहले एग्जांपल कराऊंगा. तो इस फार्मूले में मान लो d by dx of मान लो क्वेश्चन है x² + x³, मतलब मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं दो टर्म्स को जो आपस में क्या हो रही हैं ऐड, x² और x³. मैंने मना किया था कि x को इसके साथ कैंसिल मत कर देना, नहीं करना, तो आपने क्या करना है, अगर बीच में प्लस है तो आप d/dx of यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म अलाउड है, आप d/dx को फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर यहां तक, तो मतलब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इनके एडिशन को, या अलग-अलग डिफरेंशिएट कर लें, बात एक है. अब ये दो क्वेश्चन बन गए अलग-अलग डिफरेंशिएशन के, एक और दो, जिसमें पावर रूल लगेगा. इसमें पावर क्या है 2, एक पावर क्या करेंगे कम, और ऑब्वियसली 2 पे हाथ रखेंगे, dx/dx इज 1, मैं लिख नहीं रहा हूं पर अंडरस्टूड है कि बोलना है उसको 1 है. उसी तरीके से इसकी पावर क्या है 3, x की पावर इज 3, x की पावर को एक कम करेंगे तो क्या आएगा 2, और 3 पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा dx/dx which is equal to 1, तो आंसर आ गया इसमें 2x + 3x². सिंपल. तो अगर आज के बाद एडिशन में आपको एडिशन या ऑफ टू टर्म्स के बाहर d/dx दिखे, आप d/dx को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इसे ओपन कर लेंगे, और सिमिलरली अगर ये माइनस होता तो ये माइनस और ये भी माइनस. ठीक यहां तक, तो इसके बेस पे ये भी नोट कर सकते हो एग्जांपल, और इसके बेस पे ये क्वेश्चन भी करके दिखाना है, d/dx ऑफ x³ - x² + 1, बस इतना ही कर लो ये वाला क्वेश्चन फिलहाल, ये क्वेश्चन है, तो इसको ओपन कर लो, d/dx को मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म्स के साथ.
ओके तो मेरे ख्याल से रूल सबको समझ में आ चुका है क्योंकि बीच में प्लस है और बीच में माइनस तो d by dx of first term minus d by dx of second term plus d by dx of third term ये स्टेप क्लियर है नेक्स्ट तो इसके अंदर 3x की पावर 2 पावर नीचे एक पावर कम और 3 पे हाथ रखेंगे तो dx by dx तो 1 ही होता है नहीं लिखेंगे minus 2x की पावर 1 क्योंकि पावर नीचे 2 x की वैल्यू जो भी है उसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0 आंसर समझ में आ रहा है यहां तक किसको कैसे लिखना है या कैसे लिखना है प्लस और माइनस की टर्म्स को तो एक्चुअल में बुक्स में इसका फार्मूला लिखा होता है जो मैंने आपको फार्मूला नहीं करवाया लेकिन आपको लिख देता हूं ताकि कोई बुक या कहीं पर भी पढ़े एटलीस्ट पता हो कि क्या करना है तो फार्मूला बुक्स में ये लिखा होता है d by dx of फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म अगर u और v कोई भी दो टर्म्स हैं और आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो रूल इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म तो एक ही बात है अपने मन में इसको u मान लो इसको v मान लो तो d by dx of u plus d by dx of v एक ही बात है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक तो फार्मूला याद करने की जरूरत क्या है हमें वैसे ही पता लग चुका है कि अगर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो d by dx can be multiplied ठीक सिमिलरली बुक्स में लिखा होता अगर ये माइनस तो ये भी क्या जाएगा माइनस डन ठीक है यहां तक तो फार्मूला लिखना है तो वैसे ही एक जस्ट एक फार्मूला से एक लिख सकते हो पर अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कि इसकी जरूरत है तो प्लस माइनस का रूल क्लियर हो गया ठीक तो एक और क्वेश्चन करते हैं प्लस माइनस पे example d by dx of 1 by x square 1 by x x x square तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं d by dx of first term plus d by dx of second term plus d by dx of third term plus d by dx of fourth term डन फिर यहां पर d by dx of थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं x की पावर ऊपर ले जाएंगे तो minus 2 1 by x square की जगह x की पावर minus 2 plus d by dx of x की पावर क्या लिख सकते हैं minus 1 x ऊपर जाएगा reciprocal minus 1 d by dx of x अब इसको बाद में यूज करूंगा इसे और इसको भी बाद में ठीक करूंगा पावर रूल इकट्ठे लगाऊंगा सब पे कैसे अब लगाएंगे पावर रूल अभी चार प्रॉब्लम बन चुके हैं डिफरेंशिएशन की पावर इज minus 2 x की पावर minus 2 minus 1 एक पावर कम करेंगे पावर पे हाथ रखेंगे तो dx पे dx पे 1 होता लिखने की जरूरत नहीं है पर समझ में आ रहा है यहां तक प्लस पावर क्या है माइनस 1 x की जो भी पावर है उसमें से 1 सबट्रैक्ट तो पावर नीचे एक पावर कम कर दी माइनस 1 में से प्लस dx पे dx तो स्ट्रेट वे क्या होता है 1 और इसकी पावर क्या है 2 और x की पावर पावर कम करेंगे तो क्या आएगी 1 तो 2 नीचे एक पावर कम x 2 minus 1 is 1 तो यहां से क्या आंसर आएगा minus 2 x raised to power minus 3 minus 1 means minus 1 x की पावर minus 2 plus 1 plus 2x कोई डाउट इसमें
पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्लियर है? सो इट मींस कि अभी तक जो भी हमने काम किया वो पिछले फॉर्मूला से ही यूज होता जा रहा है, तो डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले करोगे तीसरे फॉर्मूले में वो दो यूज हो जाएंगे, चौथा करोगे तो वो तीन यूज हो जाएंगे, पांचवा करोगे तो सारी पांच के पांच यूज होंगे, तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट वो फॉर्मूला आज हम और करेंगे और उसके ऊपर फिर मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि हमने डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस क्यों किया कुछ लाइव एग्जाम्पल से, और जो प्रॉब्लम मैंने अनआंसर्ड लास्ट टाइम छोड़ दी थी उसका आंसर भी आज आपको पता लग जाएगा कि न्यूटन ने उसमें क्या किया कैलकुलस को यूज करके कि उसके आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक, तो यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करते हैं, नेक्स्ट इज, अभी तक ये बता दो प्लीज। ठीक, तो अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन को यूज किया, जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि एडिशन है और सब्ट्रैक्शन, और हमने ये देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है सबके साथ। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या सिखाया, अगर दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म अलाउड, ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर सपोज करो मैं ये बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी, अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, डी बाई डी एक्स ऑफ वी करेंगे जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, तो ये फॉर्मूला क्या माना जाएगा, रॉन्ग, नहीं कर सकते। इसके अंदर कर सकते हैं, प्लस माइनस में कर सकते हैं डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे इसको एक बार समझते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला डिफाइंड है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी, फॉर्मूला है अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है, तो पहले फर्स्ट टर्म जो भी है उसको एज इट इज लिख दो, जैसी है ऐसी लिख दो यू, और डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, सेकेंड टर्म के साथ, दैट इज वी, दैट इज यू इन टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी प्लस, अब सेकेंड टर्म को ऐसे लिख दो इसकी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज यू, तो कुछ नहीं किया, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक, मैं लगा के दिखाता हूं, हाँ, यू को कांस्टेंट ले लिया और वी की, वी को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर वी को कांस्टेंट ले लिया, यू को डिफरेंशिएट कर दिया, मैं लगा के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तब क्लियर होगा। ये तो फॉर्मूला है, मुझे तो भी पसंद नहीं पहले फॉर्मूला बताने, क्योंकि वो बहुत, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कराता हूँ। जैसे पहले देखो एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक प्रॉब्लम है, आपने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक्स को एक्स के साथ क्या कर लेते हैं, कैंसिल, नहीं अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ये पॉइंट समझ में आया पहले, कैंसिल नहीं करना। हाँ, ऐसा कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5, राइट, बिल्कुल सही है। तो पावर रूल लग सकते हैं, पावर रूल क्या कहेगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4, क्योंकि 5 पे हाथ रखेंगे dx पे, dx तो 1 ही आता है, क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये मेथड एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर कहेंगे कि फिर अगर ये मल्टीप्लाई करके इतना ईजी हो सकता है तो फिर ये करने की क्या जरूरत है, मैं बताऊंगा ऐसा क्या, इसकी क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे एग्जांपल लूंगा जिसमें चलेगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको वो प्रॉब्लम तो आएंगी बाद में। सबसे पहले ये मेथड बिल्कुल सही है, पर मुझे मुझे ये मेथड मेथड नंबर 1 से सॉल्व लेट अस सपोज नहीं करवाना, मुझे मेथड 2 से करवाना है। मेथड 2 में मैंने आपको ये कहा कि आप सेम क्वेश्चन करें इनको बिना मल्टीप्लाई किए और इस फॉर्मूले को यूज करके, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ दो टर्म्स हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दो टर्म्स हैं, पहली टर्म को मन में मान लें यू और दूसरी टर्म को मन में क्या मान लें वी, सेम हो गया,
फर्स्ट टर्म u, सेकेंड टर्म v, u v और रूल मैंने क्या बताया, पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दे, कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर और इनटू d बाय dx ऑफ v कर दें, v का मतलब यहां पर क्या है सेकेंड टर्म, दैट इज x क्यूब। फिर सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख दें, दैट इज x क्यूब और इनटू क्या कर दें d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज x स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूं, ये u है, ये v है, पहली टर्म एज इट इज, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इनटू डिफरेंशिएशन d बाय dx को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। फिर सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख दें, d बाय dx ना लिखें इसके आगे, और d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म। अब मुझे पता है कि इसके आगे d बाय dx नहीं लिखा, बहुत कॉमन मिस्टेक, लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कहेंगे पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या कहता है, 2 इनटू x की पावर 1, क्यों सही बोल रहा हूं मैं, पावर रूल लगेगा x स्क्वायर में 2 इनटू x की पावर 1, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके आगे d बाय dx नहीं लिखा हुआ। ये थोड़ी ना कि 10th 9th में जो अलजेब्रा कर रहे हैं, अब जहां भी पावर दिखेगी वहां पावर नीचे उतार दो, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन आ गई आज हमें, डिफरेंशिएशन जहां लगी वहां पावर रूल लगेगा। ये तो एज इट इज ऐसे ही अलजेब्रा की तरह बस ब्रैकेट में पड़ा हुआ है, इसको नहीं छेड़ो, इसको एज इट इज जैसे है वैसे का वैसे रहने दो, राइट। लेकिन यहां पर इसकी डिफरेंशिएशन भी है, इसमें लगेगा, तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स को हटाना, तो इसकी पावर बोलो कितनी है, 3, और एक पावर कम कर दो कितनी, 2। ये स्टेप क्लियर है, तो एक छोटी प्रॉब्लम हो गई डिफरेंशिएशन की, प्लस यहां पे नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर डी बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ, यहां लगेगा, पावर क्या है 2, एक पावर क्या हो गई कम। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये आंसर आएगा, ऐड करें तो ये आंसर आएगा, नो डाउट आंसर एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि फिर मैं वो क्यों यूज करूंगा, मैं ऐसे ही कर लूंगा, आप कर लो जो आपको इजी लगता है आप करो, बट मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देने वाला हूं आने वाले टाइम में कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई आप कर ही नहीं पाएंगे और आपको यू इंटू वी का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक, जहां सिंपल रूल चलता है सिंपल चला लो, नहीं चलेगा तो यू इंटू वी का लगा लो। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, पहले बोलो। ये मैं तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, यू का मतलब एक्स स्क्वायर है, वी का मतलब एक्स क्यूब है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो मैथ्स मैथमेटिक्स की ब्रांच से आया ना, मैं ये थोड़ा बता रहा हूं कि फॉर्मूला कहां से आया, मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला है और ये मैंने वेरीफाई करके दिखाया कि ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, बस आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ठीक, तो इसको लिख लो और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप इसको वेरीफाई करके देखो, राइट। एग्जाम्पल, ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको अगर मेथड नंबर 1 से किया जाए, दैट इज बिना यूज किए u इंटू वी, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और पावर रूल बोलता है 15 इंटू एक्स की पावर, ये नहीं यूज करना। ठीक, ये तो मैंने यूज किया, आप एक काम करें, आप मेथड नंबर 2 यूज करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 7 एक्स 8 में, इसको u माने, इसको v माने, और u into v से कैलकुलेट करके आंसर वेरीफाई करें कि आंसर एब्सोल्युटली सेम आएगा।
दोनों कांस्टेंट है, कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, करके दिखाता हूँ। देखो ये स्टेप क्लियर है, मैं इसे मिटा दूँ, छोटा है बड़ा लिखूँ, थोड़ा बड़ा लिखूँ, विजिबल है, ठीक, मिटा दूँ इसे पुराने क्वेश्चन को, ओके। तो इसमें ये देखो, इसको U मान लेते हैं और इसको V। तो एक बार फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सॉरी फर्स्ट टर्म x की पावर 7 एज इट इज इनटू d बाय dx ऑफ V, V का मतलब x की पावर 8, सही, प्लस अब x की पावर 8 V को बाहर ले लेते हैं और d बाय dx ऑफ x की पावर कितनी, 7। ये रूल सबने लगाया, एक बार फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इस केस में x की पावर कितनी, 7 इनटू, इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगेगा बिकॉज़ d / dx थोड़ा ना लगा हुआ है, इस पे लगेगा, बोलो क्या, 8 x की पावर 7, 8 पे हाथ रखेंगे dx / dx 1 आता है, प्लस इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा 7 इनटू x की पावर कितनी, 6। तो 8 पावर मल्टीप्लाई हो रही है 14, 7 पावर ऐड हो जाएगी 14, तो क्या आएगा, 15 इनटू x रेज टू पावर 14। तो आंसर तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा, बट आपको ये वेरिफिकेशन समझ में आ गई, आपको u इनटू v का फॉर्मूला लगाना आ गया, कैसे लगेगा, इसमें कोई डाउट, ठीक। लास्ट फॉर्मूला करेंगे इसके बाद डिवीजन का, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमने प्लस में देखा क्या होता है u और v में, माइनस में देखा, मल्टीप्लीकेशन में देखा, और अब डिवीजन में देखेंगे, और फिर इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, पूरे लेक्चर में सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा हाथ बहुत तेजी से काम करे, बस, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, हाँ हाँ बिल्कुल है, मैं आपकी च्वाइस है, पर अगर फंस गए तो मेथड टू आना चाहिए, और ज़्यादातर फंस ही जाएंगे, फंसेंगे ही, ऑब्वियस तभी सिखाया है, बाहर निकलने के लिए क्यों नहीं फंसेंगे, आपको दिखाऊंगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, d बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x इनटू sin x, लो कर लो मल्टीप्लाई जो करना है, रूट x को sin x से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, तो u इनटू v की याद आएगी, करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, ठीक। पर प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंदर जब चलेंगे तो इतनी मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं यूज होती वैसे, जैसे हम कैलकुलस थोड़ा ज्यादा करेंगे, वो इसलिए ताकि हमारे हमारी जो देखो नॉर्मल फिजिक्स के अंदर 50% कैलकुलस ही चल रहा है, कैलकुलस हर रोज आना ही आना है, रोज यूज होना है 2 साल, इट्स बेटर कि हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि हमें वो रोज की कैलकुलेशंस तंग ना करें, क्योंकि फिजिक्स में अगर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आधा कैलकुलस है आधा नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन बनाना ईजी होता है कि हाँ समझना क्वेश्चन में क्या करना है, मैथमेटिकल आंसर कैलकुलस ही निकालेगा, तो उस टाइम स्टेप्स ही समझेंगे, उस टाइम आप खुद ही कहोगे कि हम खुद कर लेंगे, तो मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारा जो नॉर्मल फिजिक्स का कोर्स है इजी लगे, बस ऊपर ही चलना है हमें। तो नेक्स्ट इसमें करेंगे डिवीजन, तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाय डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाय वी, अगर दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो उसमें क्या करना है, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि d by dx of u divided by d by dx of v, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं लगता इसमें, सिर्फ प्लस और माइनस में लगता है, मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं लगा था, डिवीजन में भी नहीं लगेगा, तो डिवीजन का फॉर्मूला नोट कर सकते हो d by dx of u divided by v में, पहले ध्यान से देख लो फिर लिख लेना, स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है v, v की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करने, इनटू d by dx of u, तो पहले denominator into differentiation of numerator, minus, plus नहीं, minus, formula बना, formula लिख रहा हूं मैं, minus, अब u बाहर आ जाएगा numerator, into differentiation of denominator, तो क्या किया मैंने, denominator into differentiation of numerator, minus numerator into differentiation of denominator, अभी रुका नहीं है, divided by denominator square, ये साथ में, ठीक,
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो फिर से देखेंगे, दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो स्टार्ट विद डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैं एग्जाम्पल में लगा के दिखाता हूं और एक एग्जाम्पल आप अपने हाथ से करना। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने लिखना, ये फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर बोर्ड साफ करूंगा यहां से। आप दो मिनट लिख लो ये फॉर्मूला प्लीज, ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं। पॉसिबल है ओके, क्या है पॉइंट? देखो नेक्स्ट है, एग्जांपल के साथ समझाते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक स्टूडेंट आया, उसने कहा ये तो इसमें प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। मैंने पूछा क्या, वो कहता डी बाय डी एक्स ऑफ, एक काम करते हैं इसको कैंसिल कर लेते हैं तो क्या बचेगा, तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो ऑब्वियस है, हम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, अपना काम यहीं से चला लेंगे। बट मैं आज ही आपको इस क्वेश्चन के बाद फंसा लूंगा, आपको यू बाई वी का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। ठीक, इसमें चल जाएगा, बट बाकी मैं दिखाता हूँ, आंसर निकालता हूँ। युवराज, चित्रा शर्मा, चित्रा शर्मा, तान्या, तान्या। देखो तो यहां तक ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर मेरा ये कहना है कि आप इसमें डी बाय डी एक्स ऑफ सेम क्वेश्चन करके दिखाएं बिना इन्हें कट किए, तो आप क्या मानेंगे, इसको U और इसको V? ऑब्वियसली और कोई तरीका नहीं है, आप कट तो कर नहीं सकते। मैथ्स का रूल बोलता है आप इसे कट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं कट नहीं करना, है ना, मैंने बोला। वैसे मैथ्स आपका आंसर आ चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि आप फॉर्मूला सीखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो प्लीज, स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एक्स क्यू, यानी कि वी इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ यू माइनस न्यूमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी आ गई, स्टार्ट विद डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर इनटू, यहां पर पावर रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर डी बाई डी एक्स नहीं है, यहां लगेगा बोलो क्या, थ्री इनटू एक्स की पावर कितनी, टू, पावर नीचे एक पावर कम, माइनस एक्स क्यूब इनटू टू इनटू एक्स की पावर एक कम, तो टू इनटू कितना, एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर इज वन डिवाइडेड बाय एक्स का फोर, तो मल्टीप्लाई करते हैं थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस टू इंटू एक्स रेज टू पावर फोर बाय एक्स रेज टू पावर फोर, एक्स रेज टू पावर फोर बाय एक्स रेज टू पावर फोर, दैट इज, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। पॉइंट समझ में आ गया था? ठीक, कोई डाउट इसमें? वेरिफिकेशन आप लोग करो, फिर इसके फिर मिक्स न्यूमेरिकल करते हैं, राइट, फिर आगे चलते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एग्जांपल करो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव डिवाइडेड बाय एक्स की पावर थ्री। वैसे तो मेथड नंबर वन से बहुत क्लियर है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर टू बच जाएगा, तो आंसर आएगा टू इंटू एक्स की पावर वन, पर आप मेथड नंबर टू से करो, दैट इज यू बाय V से वेरीफाई करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो इसके अंदर d by dx of x की पावर 5, x की पावर 3, तो मैंने बताया आप इसको u मान लो और इसको v, start with denominator, denominator into d by dx of numerator, minus numerator into d by dx of denominator by denominator का square, put कर लिया, तो इसमें x cube को नहीं touch करना, power rule, 5 into x की power कितनी, 4, x की power 5, 3 into x की power कितनी, 2, divided by x raised to power कितना, 6, तो 5 into x की power कितनी, 7, minus 3 into x की power 7 by x की power 6, 2 x की power 7 divided by x की power 6, तो यहाँ पर solve करके क्या आएगा, ये cancel हो जाएगा, 2 into x, सही आ गया, इसका मतलब formula absolutely correct है, वो तो correct ही है, आपको step लगाने आ गए, ये देख लो सिर्फ आप, तो क्या आपको u by v लगाना आ गया, u into v लगाना आ गया, ठीक, तो मैं आपको miscellaneous problems दूँ अब लगाने के लिए, जितना भी हमने formulas किए, बस आज सिर्फ इसके ऊपर अब practice है, ठीक, फिर start करते हैं, और पहला question, जिस पे आप u by v का formula लगा सकते हो, is d by dx of x plus 1 divided by x minus 1. तो ये तो होने से रहा, तो एक टर्म को न्यूमिनेटर u और v, मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा ना, पूरी टर्म को u और इस पूरी टर्म को, तो लगा u by v के फॉर्मूले में पुट करो, आंसर चेक करो. चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं, मेरे को भी चांस दो यार, अब ठीक, मैं भी कुछ टाइम लगाऊंगा सॉल्व करने में, मैं और भी क्वेश्चन कराने हैं, ठीक, ऐसे तो बहुत है आज, तो अब इसको सिर्फ एक बार देखो, एक दो चीजों को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर लगाना, फिर आराम से आराम, मैं करूंगा, मेरे को आंसर नहीं आ, मेरे से मत पूछो, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ और पूछते जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं पता, देखते हैं क्या आंसर आएगा. तो पहले डिनोमिनेटर लिया, into d by dx of numerator ऐसे किया, minus numerator into d by dx of denominator divided by denominator का square, कोई doubt इसमें, ठीक है एकदम, सबने लगाया, ठीक, next is x minus 1 into, मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये question देखा लगता है,
आज के लेक्चर से ही डिफरेंशिएशन में बीच में प्लस आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो इसको ऐसे करें, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म। कोई डाउट इसमें? ठीक बोल रहा हूं ना, क्योंकि प्लस आ रहा है ब्रैकेट में तो ये तो अलाउड है। माइनस एक्स प्लस वन इन टू, सेम सिचुएशन इसके साथ भी, तो क्या आएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सबको ये पॉइंट क्लियर है कि ये गलती हो गई मुझसे? कोई बोलो। हाँ, बहुत लोग, टेस्ट जब होगा बहुत, क्या मतलब 50% ऑफ लोग ब्रैकेट्स नहीं यूज करना चाहते, तो वो लोग मेरी तरह यहां पर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा था, एक्स माइनस पूरी डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई तो एक्स फर्स्ट सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आपका आंसर गलत आने का पूरा चांस है। कोई कहेगा सर ये तो जीरो आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो आ गया, कल को जीरो ना आया तो इट इज बेटर कि आप इस पोजीशन पर हमेशा हमेशा क्या यूज करें, ब्रैकेट। पॉइंट समझ में आया? तो जब भी आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आज के बाद, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म में आप यहां होल ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो बस आंसर आ गया, dx by dx आंसर क्या आता है? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0। तो x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 ऑब्वियसली 1 माइनस x प्लस 1 और इंटू कितना? 1। ठीक, 1 लिख लेते हैं, ठीक, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वैसे तो आंसर आ गया, पर आपके तसल्ली के लिए जीरो आया कि नहीं आया ओपन करके देख लो, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मुझे नहीं लगता जीरो आया, जीरो नहीं आया, नहीं आया ना। अच्छा, मैंने बताऊं क्या सोचा जीरो क्यों नहीं आया? देखो आंसर तो मुझे नहीं पता था, मुझे इतना पता था कि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? जीरो। आपको क्या किसी भी हालत में डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है? ये पूरा एक्स वेरिएबल है, जीरो कैसे आएगा? चांस कम है, क्योंकि एक्स आ रहा है ना, अगर सारे कांस्टेंट होते तो हम क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो है, बीच में वेरिएबल है, तो मुझे ऐसा लगा कि वेरिएबल की वजह से आंसर वैसे ही जीरो नहीं आ सकता, इसलिए मैंने बोला कि जीरो कैसे आया। बट इन एनी केस चलो हम आंसर प्रिडिक्ट नहीं करते, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि यू बाई वी के फॉर्मूले से आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक? ठीक, आपको अगर सपोज फिर से ये क्वेश्चन दिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, तो मैंने ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में दिया था आपको, तो मैंने इसको ऐसे करवाया 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, मैंने ऐसे करवाया, और 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऊपर गया तो होल रेज टू पावर माइनस हाफ, 7 इंटू पावर नीचे x की पावर 1 कम तो क्या हो जाएगी? माइनस, माइनस हाफ माइनस 1 क्या देगा? माइनस 3 बाई 2, और फाइनल आंसर जो आज हमने किया था x रेज टू पावर माइनस, ये किया हुआ है हमने, ये आंसर आया था। कोई डाउट इसमें? लेकिन क्योंकि ये उस टाइम मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया तो शायद इतना, तो ये आपको समझ में आया, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करने को आएगा ना, तो आपको ना कई बार याद नहीं आएगा कि ये 7 कांस्टेंट है और इसको बाहर निकाल लिया जाए, आपका मन करेगा कि मैं यू बाय वी लगा दूं, 7 को यू मान लूं, क्योंकि दो टर्म डिवाइड हो रही है ना। देखो डी बाय डी एक्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ठीक है, मान लो मुझे नहीं याद आता कि 7 कांस्टेंट आ गया और मैं मेथड नंबर 1 भूल गया, और मुझे क्या याद आया कि दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड। लगाओ u by v और प्रूव करो कि वो मेथड भी सही और आंसर यही आना चाहिए। शुरू करो, u by v लगा के वेरीफाई कर लो, आंसर सेम आएगा।
आ गया आंसर सेम, कितने लोगों का सेम आंसर आ गया, और कितने लोग कह रहे हैं कि कहां चक्करों में डाल दिया, वही ठीक था वही ठीक था ऑब्वियसली, ठीक तो यही था, मैं होऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, बट वो मैं ये करने को भी नहीं कह रहा, मैं तो जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यू बाई वी की, और बताना चाहता हूँ कि आंसर सेम आएगा। तो डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसा किया तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन, तो ये टर्म तो जीरो हो ही जाएगी, ठीक, माइनस सेवन इंटू, क्योंकि तो जीरो आ जाएगा पूरा, माइनस सेवन इंटू, इस एक्स की पावर क्या है, वन बाई टू है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, चलो लिख लेते हैं एक और स्टेप, डी बाई डी एक्स, अब ऐसे लिख लो, चलो एक्स रेज टू पावर कितनी, वन बाई टू बाय, ये कट गया तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स, तो लगाओ रूल, माइनस सेवन इंटू पावर क्या है, हाफ, तो पावर रूल लग सकता है इसमें, तो हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन, पावर नीचे और एक्स की पावर एक कम कर दी, और हाफ पे हाथ रखेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स इज वन, तो माइनस सेवन बाई टू एक्स रेस टू पावर कितना, माइनस हाफ, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ बाई एक्स, माइनस सेवन बाई टू एक्स, क्योंकि पावर, क्योंकि एक्स सेम है, डिवीजन है तो पावर माइनस होगी, तो माइनस हाफ माइनस वन, माइनस सेवन बाई टू एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बाई, आंसर तो सेम ही आना था क्योंकि यू बाई वी का फॉर्मूला एकदम सही है, पर मुझे लगता है कि इस ऐसे केस में मेथड नंबर वन ज्यादा एप्लीकेबल है। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि कैलकुलस में सबसे खास बात यह है कि आप कोई भी मेथड फॉलो कर लें, आपको याद आ गया आसान तरीका तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही आना है, तो अच्छी बात है ना। तो दो मेथड से गलत अलग आता, फिर तो सोचने वाली बात थी कि मैं क्या करूं, इसमें क्या सोचना, जो आपके मन में आता है लगाओ, लेकिन रूल वॉयलेट नहीं करना कभी भी, ठीक। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, रूल वॉयलेशन से मुझे याद आया, मैं रूल्स मैंने बता दिए, जो मैंने रूल बताए मैं उसी में से क्वेश्चन दूंगा, तो जो कर ले मुझे बुला के अपनी कॉपी चेक करवा ले, ठीक। क्वेश्चन है, मतलब रूल चेक करना चाहता हूं कि आपने उसकी बारीकी को समझा या नहीं समझा। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसकी डिफ्रेंसिएशन है बस,
यहाँ से शुरू कर। ये स्टेप गलत है पहले, कोई बात है कोले नेक्स्ट, रुको रुको, ये स्टेप गलत है नेक्स्ट, एक एक करके, ये स्टेप गलत है नेक्स्ट, यहाँ से शुरू करूँगा ना, एक बार आऊँगा, नहीं सही नहीं है ये, नेक्स्ट, सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं गड़बड़ है कुछ, सही, यहाँ से आऊँ, यहाँ से आता हूँ, चलो सही नहीं है, नेक्स्ट, नहीं सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं 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 ना, कुछ सही लग रहा है, नहीं सही, आगे उतारो तभी कुछ तो करो, डी बाई डी हटोगे तभी चेक करूंगा, कहाँ से चेक करूँ, ना ये सही नहीं है स्टेप, ये भी सही नहीं है स्टेप, नहीं सही, नहीं सही, आधा सही है, आधा सही है, आधा सही है, बस जितना गया उसके बाद कुछ मिसिंग है, सही नहीं है, हाँ ऑब्वियसली होगा तभी बोल रहा हूँ, नहीं सही नहीं है, कुछ बात सही बनी नहीं, चलो ठीक है और चेक करवाना है कर लो, नहीं सही नहीं है, नहीं सही, ये कुछ सही लग रहा है, बस एक स्टेप से मिसिंग है कुछ अगला, नहीं आधा सही है, चलो ठीक है करें क्वेश्चन, देखो रूल पुराने जो हमने किए उसी रूल को यूज करना है, कोई नया मेथड नहीं है, बिल्कुल आप मतलब ध्यान से देख नहीं रहे हो, आपको आता है, मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको, आपको अभी पता लग जाएगा कि कैसे करना है, राइट। सबसे पहली एक कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूं, एक कॉमन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट आधी क्लास ने की हुई है वो ये, आप लोग ये बोलते हैं कि ये जो टर्म है ना इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कितने लोग एग्री करते हैं कि नहीं बात तो सही है लिखा जा सकता है, सही है लिख सकते हैं, वो ये था ना इसको ऐसा होना चाहिए था ना 7x² + 3 का होल रेस टू पावर हाफ, हाँ ये सही है ये सही नहीं है, है ना, तो काफी लोगों ने तो यही कर दिया, पहले तो कैसे कर दिया, होल था तो पहली मिस्टेक तो यहीं पर होगी आधी क्लास की, कि वो उसको तोड़ा उन्होंने रूट को और डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, चलो क्योंकि उनको जल्दी थी ना प्लस दिख रहा था, किसी भी तरीके से डी बाई डी एक्स बस चला जाए अंदर की तरफ और ब्रैकेट ओपन हो और फटाफट आंसर आ जाए, पर रूल भूल गए मैथ्स का कि अंडर रूट को ऐसे हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। दूसरा ये तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में सही नहीं होगा, आप इसको ऐसा जरूर लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 7x² + 3 होल रेज टू पावर हाफ, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब मेरा एक क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ को कैसे करते हो डिफरेंशिएट, बोलो पावर रूल लगाते हो, पावर क्या है हाफ, किसकी पावर, इस ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसकी पावर, ये ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसकी पावर को क्या करते हैं -1 और फिर हाफ पे अगर हाथ रखा जाए तो क्या दिखता है डीएक्स बाय डीएक्स, तो जो भी ये टर्म होती है वो अल्टीमेटली यहां पर आ जाती है और आंसर आता है, ऐसे करते हैं, मैं एक चांस और दे रहा हूं, तो करना चाहता है तो कर दे, मैंने आपको आधा सॉल्यूशन बता दिया, अब देख लो कर लो, ये आधा ठीक है अभी भी क्योंकि आपने वो एक रूल नहीं लगाया ना उसमें, हाँ पावर रूल तो लगा, ये ब्रेक कैसे हो गया, नहीं हो सकता, आधा ठीक है हाफ ठीक है, आप अभी भी ध्यान से नहीं देख रहे, अब वो पूरा ठीक है लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा,
हाफ नीचे नहीं आया पावर रूल ओपन करो सही है ओपन करो d बाई डी एक्स में थोड़ा आंसर छोड़ना है d बाई डी तो हटाना है कॉन्स्टेंट नहीं आएगा इतने बड़े फॉर्मूले का आंसर हाफ कैसे आ सकता है कोई गलती हो रही है चलो फिर से देखो बहुत लोग नहीं देख पा रहे अभी भी शायद कुछ ऐसा ही है देखो ये जो भी टर्म थी ठीक इसकी पावर क्या थी हाफ जो भी थी ब्रैकेट के अंदर हाफ रख लेता हूं जो भी था पावर आपने नीचे उतारी और जो भी टर्म है उसकी पावर वन माइनस किया और ये जो भी टर्म है उसको उठा के यहां भी तो रखा वो अलग बात है कि इसका आंसर वन आ गया फिर ध्यान से देखो ये जो भी टर्म है ब्रैकेट में उसे क्यों देख रहे हो भी पावर बोलो क्या है तो पावर नीचे आ गई कितनी हाफ जो भी ये टर्म आ रही थी इसकी पूरी की पूरी पावर क्या हो गई कोई डाउट इसमें जब पावर पे हाथ रखेंगे तो आपको इतना बड़ा दिख नहीं रहा पावर पे हाथ रखने के बाद dx पर dx थोड़ी ना दिख रहा कि वन आ गया तो आधे लोगों ने ये नहीं दिया मैं बोला आधा आंसर सही है क्योंकि वो यहां तक तो ठीक कर रहे हैं हाफ पे जब हाथ रखते हैं तो उन्होंने अब याद कर लिया कि dx पे dx तो हमेशा ही वन आता है लिखो ना लिखो इस बार dx पे dx थोड़ी ना आया पावर पे हाथ रखने पे क्या आ रहा है इस बार d by dx of 7x square plus 3 देखो इतना बड़ा आ रहा है ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7x square plus 3 ये रूल समझ में आया फिर देखो ये पूरे की पावर हाफ है हाफ नीचे पूरे की पावर 1 कम यहां तो क्लियर है हाफ पे जब हाथ रखेंगे पावर पे तो जो ये बचेगा पूरे का पूरा क्या हो जाएगा एंड में मल्टीप्लाई क्लियर यहां तक तो यहां से 1 by 2 7x square plus 3 whole raised to power minus half bracket start d by dx of 7x square plus d by dx of 3 क्योंकि plus लगा हुआ है तो d by dx of first term plus d by dx of second term को open कर सकते हैं ठीक तो यहां से half half into 7x square plus 3 whole raised to power minus half into 7 constant है आपको याद होगा आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ एक constant और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो constant d by dx से बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा 7 into d by dx of x का square plus 3 constant की differentiation क्या आएगी 0 इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 2 into x की power तो यहां पर क्या आएगा 1 by 2 7x square plus 3 raised to power minus half into 7 into 2x क्योंकि ये 2x देगा और ये तो 0 देगा 14x 2 से 2 क्या हो गया cancel बस आंसर आ गया जो भी आया आपको step समझ में आया ये rule समझ में आया कि half पे हाथ रख के further एक और differentiation भी करनी पड़ेगी जिसकी हमें आदत नहीं है power पे रख के आगे करने की ठीक और जो लोग ऐसे ही धक्के से प्लस दिखा पर किसी भी तरीके से dy अंडर रूट के अंदर किया हुआ है कईयों ने तोड़ा भी नहीं अंडर रूट भी चल रहा है ऊपर और अंदर क्या चल रहा है dy dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस dy dx ऑफ सेकंड टर्म ऐसे अंडर रूट में एंट्री थोड़ा मिल जाती है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी टर्म ऐसे नहीं होगा और कईयों ने तो शायद स्क्वायर भी कर दिया क्योंकि अंडर रूट के अंदर जा रहे हैं तो स्क्वायर dy dx का स्क्वायर क्या होता है कुछ भी नहीं होता वो तो ध्यान से पावर रूल ही लगेगा इसमें और कोई तरीका नहीं है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक तो कोई बात नहीं क्योंकि हर को अपना-अपना मेथड ठीक लग रहा था कि जो जिसके समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा तो एग्जांपल d by dx ऑफ क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1
एंड वाला स्टेप गलत है, ये वाला एंड वाला, पावर पे हाथ नहीं रखा आपने, हो गया। मैं एक मिनट चेक यहीं करता हूँ, अब वेरीफाई करना प्लीज़ अपने अपने क्वेश्चन, मैं अभी वेरीफाई करूँगा, दो मिनट रुको। तो इसमें देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर कितनी है, वन बाय, सबने किया, जो भी इतनी बड़ी पावर दिख रही है उसको नीचे उतार के एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर वन बाय थ्री माइनस वन, तो पावर नीचे आ गई वन बाय थ्री, इस पूरे की पावर वन बाय थ्री माइनस वन। फिर ये देखो ध्यान से, जब मैंने यहां पावर पे हाथ रखा तो आपको क्या दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री नहीं आएगा, फिर तो आपने वही कर दिया, क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे थे, इसी क्वेश्चन के अंदर सेम ही क्वेश्चन आ गया, फिर तो इसको सॉल्व करोगे फिर सेम क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो जिंदगी में सॉल्व ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पावर अगर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पावर पे हाथ रखना जरूरी है, जो दिखेगा वो मल्टीप्लाई करना है, पावर के साथ नहीं करना, क्लियर है यहां तक। तो यहां पर वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू बाय थ्री और इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड, कॉन्स्टेंट के डिफ्रेंसिएशन जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो टू इन टू एक्स की पावर वन, तो वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू बाय थ्री इन टू कितना, टू एक्स आंसर। फिर कुछ लोग पूछ रहे थे दूसरे बैच में सिंप्लीफाई कहां जी, सिंप्लीफिकेशन कहां तक करें, मल्टीप्लाई करें ना करें, तो उसका आंसर सुन लो, ये कैलकुलस किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, मतलब इसमें से एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा ना एनसीईआरटी में, ना मेंस में, ना नीट में, ना एडवांस में, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स ही नहीं आएगी। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है एक छोटे बच्चे को टेबल्स याद करवाना कि टू टू ज़ा वन, टू टू वन ज़ा सॉरी टू 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 ज़ा फोर थ्री, आप किसके लिए, मतलब आप वो टेबल पूछे जाते हैं, नहीं वो कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है वो उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्कुल वही काम हो रहा है, कैलकुलस जितना स्ट्रांग होगा फिजिक्स में उतना ही हेडेक कम हो जाएगा, उतनी आसान फिजिक्स लगेगी, ये थंब रूल है फिजिक्स का, और कैलकुलस नहीं आएगा तो समझो बर्डन ही बर्डन है इसमें, ठीक। तो ये सिंप्लीफिकेशन किसी ने चेक नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन किसी ने पूछना ही नहीं है, मेन चीज है कि आपको डी बाई डी एक्स हटाना आना चाहिए, कि आप कैसे पावर रूल लगाते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहां तक। तो प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, जब रियल टाइम प्रॉब्लम्स आएंगी आपको अपने आप समझ में आएगा कि कितनी हेल्पफुल है ये कैलकुलस की जो नॉलेज है। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, चलो रियल टाइम प्रॉब्लम कैसी आती है। जैसे सपोज करो, मान लो एक बकेट है, बाल्टी है येरी, और इसके अंदर लिक्विड टैप से भरता जा रहा है, तो कोई स्टूडेंट खड़ा था, उसने कहा इसमें लिक्विड भर रहा है और जो जो टैप है, जो नलका है, उसमें से पानी निकल रहा है, उसका रेट कांस्टेंट नहीं है, मतलब किसी ने ऐसे नहीं कर दिया कि बस एक ही वॉल्यूम गिरता जा रहा है, मतलब पांच लीटर वॉल्यूम गिर रहा है एक सेकंड में, फिर अगले सेकंड में पांच लीटर है, अगले सेकंड में पांच, नहीं ऐसे नहीं है, शुरू में एक सेकंड में सिर्फ एक लीटर है, फिर अगले सेकंड के अंदर वो चार लीटर हो गया, फिर अगले सेकंड में वो दस लीटर हो गया, इसका मतलब रेट बढ़ता, मतलब नलका तेज हो रहा है, इन शॉर्ट मतलब किसी ने फास्ट कर दिया, तो रेट उसका ज्यादा होता जा रहा है। तो उसे पूछा गया कि इसमें वॉल्यूम कितना कैसे फिल हो रहा है, उसने बोला कि मैं ये नोट कर रहा हूं जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और ये फंक्शन फॉलो कर रहा है, मतलब कि टाइम की, ये स्मॉल टी का मतलब टाइम है, आप स्टॉप वॉच हाथ में लेके खड़े हो जाओ और अगर आप टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पुट करोगे यहां पर अपनी स्टॉप वॉच का टाइम, तो आप देखोगे कि वॉल्यूम कितना है, वन, इसके यूनिट्स ले लेते हैं, वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब है, तो मान लो वन मीटर क्यूब है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ बाल्टी में पानी तो था ही था, जब टाइम टू सेकेंड पुट करोगे तो टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, तीन सेकेंड पे वॉल्यूम थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन, चार सेकेंड पे चार का स्क्वायर प्लस चार प्लस वन, ऐसे करते करते वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम तो कभी कम हो नहीं सकता, टाइम कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, तो इस बकेट में पानी का वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन सा वॉल्यूम है, ये इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम है कि टाइम
बताओ किस टाइम पर आप वॉल्यूम चेक करना चाहते हो, टाइम की वैल्यू पुट करो, मैं आपको वॉल्यूम बता दूंगा। तो वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ रहा है। उस स्टूडेंट से ये पूछा गया पहला क्वेश्चन, फाइंड फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो ये पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो उसने हमें दे दिया, उससे पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है कितने टाइम में। मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ स्मॉल चेंज निकालना है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम का। स्मॉल चेंज को क्या लिखते हैं, डीवी। डीवी का मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, और रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे इसकी, कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देती है, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो हमें क्या निकालना है, डीवी बाय डीटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ये लैंग्वेज अब कैसे यूज होने वाली है। वॉल्यूम का फंक्शन आपको देगा, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला देगा टाइम की फॉर्म में, और वो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड रेट ऑफ चेंज। जैसी वर्ड रेट ऑफ चेंज आएगा इसका मतलब डिफरेंशिएशन होगी। क्लियर यहां तक? तो ये समझ में आ गया कि ये निकलेगा। अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि d by dt of, right? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो d by dt of वॉल्यूम की वैल्यू या वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मुझे गिवन है ये रहा। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा, t square plus t plus 1। ठीक, जो वॉल्यूम मुझे गिवन है t की फॉर्म में गिवन है, तो मैं t की फॉर्म में पुट कर दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, d by dt of t square, d by dt of t, d by dt of 1, तो सॉल्व करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2 into t की पावर 1, dt by dt क्या होगा 1, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। तो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनता है, 2t plus 1। वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग है, रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला अलग है। रेट समझते हो, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि एक सेकंड में कितना कितने रेट से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। दैट इज, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं मीटर क्यूब, टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं सेकंड। तो इतने मीटर क्यूब पर सेकंड से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 2t plus 1। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में देगा, रेट ऑफ चेंज जो पूछेगा तो आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर कि सपोज वो स्टूडेंट खड़ा था और आपने ये पूछ लिया कि फाइंड रेट ऑफ चेंज, उसने बोला रेट ऑफ चेंज इसके इक्वल आ गया। तो ठीक, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि फाइंड फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन कब, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपने टाइम दिया, इतने टाइम पे मुझे रेट ऑफ चेंज निकाल के दिखा। अब आपको ये तो पता है कि रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला डीवी बाई डीटी किसके इक्वल है, 2t प्लस 1। अब उसने क्या पूछा, मुझे इन जनरल टाइम की फॉर्म में थोड़ना चाहिए, मुझे फॉर्मूला थोड़ना चाहिए, मुझे रेट ऑफ चेंज निकाल के दिखाओ, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1। तो मैं टाइम की जगह क्या पुट करूंगा, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 meter cube पर सेकेंड। तो टाइम t इज इक्वल टू 1 पे रेट ऑफ चेंज कितना है, 3 meter cube पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आया कि कैलकुलस कितनी काम की चीज है। आपको v का फॉर्मूला देगा, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और रेट ऑफ चेंज आपको डिफरेंशिएशन से पता लगेगा। तो लाइव एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसी आती है। समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आपको v का फॉर्मूला देगा, जब भी वो आपको वर्ड रेट ऑफ चेंज बोलेगा इसका मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और विद रिस्पेक्ट टू जो भी बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर यहां तक? तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी कोई चीज चेंज हो रही है। तो चेंज इन वैल्यू मतलब वो वॉल्यूम की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये नहीं होता कि वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो एक सेकंड में 3 meter cube के हिसाब से चेंज हो जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू 1। ठीक है यहां तक? तो ये
पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं, लिखना चाहते हो नोट लिख लो, फिर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा कर लेना। न्यूटन की प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसकी तो यही समस्या थी रेट ऑफ चेंज की। तो अब देखो वो प्रॉब्लम कैसी आएगी। क्वेश्चन आएगा कि सपोज अ कार इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। तो एक कार एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है और वो अपना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, कैसे, येलो। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि टाइम के साथ उसकी एक्स की वैल्यू डिपेंडेंट है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, स्टॉप वॉच में जब टाइम जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन, वो एक एक्स इक्वल टू वन मीटर पे है। टाइम की वैल्यू टू पुट करेंगे तो यहाँ टू पुट कर लेना, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। थ्री पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फोर पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू चेंज। तो गाड़ी चलती जा रही है इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ विद, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। मतलब मैं क्या निकालने को बोल रहा हूं, फाइंड रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी कि स्मॉल चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिवाइडेड बाय डी टी। पॉइंट समझ में आया कि क्या निकालने को बोला जा रहा है, डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। हाँ, एक्स की वैल्यू को पुट करना है, राइट, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, ऐसे ही आएगा। तो ऑब्वियसली आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज डी बाय डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। इसको ओपन करेंगे
तो d बाय डी टी ऑफ t का क्यूब, d बाय डी टी ऑफ t का स्क्वायर, d बाय डी टी ऑफ t एंड d बाय डी टी ऑफ 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 टी स्क्वायर पावर 2 टी 1 एंड 0। तो आंसर आएगा इसमें 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, सुनो पहले उसका लिख लेना, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके टाइम, ओके लिख लो फिर, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आंसर कितने लोग बोलते हैं, 6। ओके देखो, अब न्यूटन की प्रॉब्लम पे वापस आ जाओ। न्यूटन ने क्या कहा था कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कौन सी वेलोसिटी होती है, बोला था। और अगर इंस्टेंट स्मॉल हो जाए, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मैंने रूल बताया था, तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, डीएक्स बाय, और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दूसरी डेफिनेशन पता है क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू। तो एक्चुअल में वो क्या निकाल रहा है, इंस्टेंटेनियस, और आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही चुके हो, तो जो आपने ये टर्म निकाली ना dx, ये क्या निकाला, dx by dt, तो एक्चुअल में पता है क्या निकाली आपने, dx by dt को ही क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये बन गया मेरे पास, सेम इंस्टेंटेनियस इसलिए वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि अलग अलग टाइम के इंस्टेंट पे इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। पर मुझे इंस्टेंटेनियस कब निकालनी है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3 इनटू 1 का स्क्वायर, 2 इनटू 1 प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा, यूनिट्स लगा लेना, 6 मीटर जो भी है पर सेकंड, वेयर x इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड। मेथड समझ में आया, और वो जो लास्ट लेक्चर में पूछ रहे थे ना dx by dt की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं बता नहीं पा रहा था dx by dt कैसे करेंगे। अब उस लेक्चर को जोड़ो लास्ट और इस लेक्चर को, हमने डेल्टा x by डेल्टा t निकाल लिया, dx by dt पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया था लेक्चर, अब बीच में कैलकुलस कर लिया, अब वापस आ जाओ। अब अगर एक गाड़ी जा रही होगी जो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, तो dx by dt का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिना कैलकुलस के नहीं निकल सकती। तो पहले आपको क्या निकालना, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो पहले न्यूटन ने क्या सीखा, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिसको आपने नाम कैलकुलस दिया, डिफरेंशिएशन दी, डिफरेंशिएशन बनाने के बाद उसने इसको डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट की, और अब वो इस फॉर्मूले से टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, जो चाहो वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आया कि कैलकुलस और वो फिजिक्स की प्रॉब्लम आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैलकुलस के साथ साथ एक चैप्टर मोशन का चैप्टर आएगा, अभी 15-20 दिन शायद महीने के बाद आएगा, लेकिन वो आपको काफी इजी लगेगा क्योंकि मैं आपको बीच बीच में ये सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं उस टाइम करवाऊंगा तो आपको लगेगा नया चैप्टर है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत जल्दी कैच करोगे क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर दिखेगा। जब बॉडी मोशन में होगी तो एक्सेलेरेशन होगी, वेलोसिटी होगी, अभी मैं लेके नहीं आया, अभी तो सिर्फ एक ब्रीफ बताया है, आफ्टर मे बी शायद अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको वेलोसिटीज और एक्सेलेरेशन के बारे में भी साथ साथ बताना शुरू कर दूं। हालांकि बुक्स नहीं करती, बुक्स ये सिखाती है पहले फॉर्मूला सीख लो, मोशन के अंदर उसको यूज करना, मैं पैरेलल चलाऊंगा और फिर आपको साथ साथ यूज कर करके दिखाऊंगा ताकि आपको रियल टाइम प्रॉब्लम में लगाना आए, ठीक है यहाँ तक। तो अब जो टाइम बचा उसके अंदर अब u अपॉन v और u इनटू v की ही प्रैक्टिस होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसे डिफरेंशिएट करना है, जो मैं देने वाला हूं,
अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो किसे डिफ्रेंशिएट करना है, इसे। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स, और किसे डिफ्रेंशिएट करना है, रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन, ऐसे बनेगा। अब शुरू करो क्वेश्चन, ये भी आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएट किसे करना है, इसे करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू बाई वी का फॉर्मूला शुरू करो। हाँ अच्छा, मैंने नहीं, हमने अच्छा वो एक्स प्लस वन था, हाँ ये रूट एक्स प्लस वन है, राइट। U बाई वी का ही फॉर्मूला लगेगा और कोई तरीका ही नहीं है, कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है इसमें, तो आप इस ऊपर वाली टर्म को क्या मानेंगे, U, और नीचे वाली टर्म को V, राइट। तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर सबने, यू आर वी का ये रूल क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ओके। नेक्स्ट, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इनटू, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की पावर क्या है, अंडर रूट का मतलब हाफ, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म यानी कि वन, रूट एक्स प्लस वन d by dx of x raised to power कितना half, d by dx of कितना one, divided by root x minus one का whole square। ये steps आपको clear है, तो d by dx of first term plus d by dx of second term इसमें कर सकते हैं because बीच में plus आया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें under root of x minus one into power कितनी है half, x की power half minus one, कम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या ले लेनी है, जीरो, माइनस रूट एक्स इन पावर नीचे एक पावर कम हाफ माइनस वन, और अगेन कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या ले लेनी है, जीरो डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां तक छोड़ दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ मेन काम है डी बाय डी एक्स आपको हटाना आ गया, बस यही चेक होना है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, यहां तक सब क्लियर कि कैसे रूल लग रहे हैं, ठीक है यहां तक, डाउट है इसमें, ठीक है, पीछे क्लियर सबको। इस क्वेश्चन को करो, डिफरेंशिएट
with respect to x d by dx of root x plus 1 into 2 x plus 1 by या 2 x plus 3 और फॉर्मूला यूज कर लेना u into v. वैसे तो आप ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, चार टर्म निकल आएंगी, बट मैं चाहता हूं u into v लगाओ. तो u into v की प्रैक्टिस है. ओपन करो डी बाई डी एक्स को. ब्रैकेट लगाओ. किसी भी लेक्चर में अगर किसी को कोई दिक्कत है, मान लो फिर से रिवाइज करना चाहते हो, स्टेप देखना है, तो मैंने एडमिशन का टाइम ही बताया, मैं फिर बता रहा हूँ. बाहर एक लैब है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उस पर सुबह 10 बजे से लेके शाम को भी 8 बजे तक वो लैब हर वक्त खुली रहती है, और एक्सेप्ट संडे, संडे फर्स्ट हाफ को खुलती है सिर्फ. तो आप कभी भी यहाँ पर कोशिश करो 3 बजे से पहले हो, 3 बजे क्लासेस चलती हैं, वैसे कभी भी आ सकते हो. तो लेक्चर को रिवाइज करना है या छुट्टी पे हो तो आप उस लैब में अपना लेक्चर रिवाइज कर सकते हो, ठीक. लेकिन अगर छुट्टी भी मारी तो ऐसा नहीं है कि सीधा क्लास में आ गए, समझ में नहीं आएगा. अगर जैसे फर्स्ट लेक्चर लगाया वो सेकंड का, अब जिसको ये नहीं आया वो थर्ड लेक्चर में कैसे समझेगा. तो इस वजह से आप सीक्वेंस के साथ ही चलेंगे प्लस वन में, बिल्कुल भी आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं है. अगर मिस हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर नेक्स्ट सुबह आके या कभी भी आके उसको रिवाइज करके ही क्लास में आना है, ठीक. देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप प्लीज वेरीफाई करो. देखो आप ब्रैकेट नहीं सही लगा रहे, आपका आंसर बहुत गलत आने वाले हैं. देखो क्योंकि आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे ना, तो देखो u फर्स्ट टर्म को बाहर इनटू d बाय dx ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म बाहर इनटू d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म. क्या स्टेप क्लियर है? ठीक, लगा लिए ब्रैकेट. ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक. तो रूट एक्स प्लस वन इंटू, अब यहां पर ब्रैकेट में प्लस, देखा हुआ क्वेश्चन लगता है आज, वो प्लस बीच में आया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, टू एक्स प्लस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म. क्लियर है? तो रूट एक्स प्लस वन इंटू, टू कांस्टेंट बाहर आ गया, मैंने रूल बताया था अगर वेरिएबल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dx by dx plus d of 3 d, obviously answer 0 ही आने वाला है. तो 2x plus 3 d by dx of, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर half d by dx of कितना 1. तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0. तो यहां पे रूट एक्स प्लस वन इन टू, टू इसकी डिफरेंशिएशन 1, बस 1, राइट, प्लस 2x प्लस 3 इनटू पावर हाफ, x की वैल्यू हाफ माइनस 1, सॉल्व कर लेना आंसर. बस पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? आंसर तो देख नहीं सकता ना,
मैंने मन से बनाए हुए क्वेश्चन है और सबकी सिंप्लीफिकेशन अलग है. आप सिर्फ स्टेप्स नोट करो, क्या आपने ऐसा किया तो बस डन, ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं. अब रही बात आंसर की, कैसे सही किया गलत किया, उसका तरीका बताता हूँ. मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए. आप क्या करोगे, इसमें आज के लेक्चर के क्वेश्चंस डिफरेंट, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मेथड वही है जो आज हमने किया सारा. तो आप अपने घर से स्टेप्स पूरे प्रॉपर करके लाओगे, और वैसे तो एक रजिस्टर लगेगा ऑब्वियसली लिए हुए हैं आपने, जितने भी नोट्स बनते हैं नेक्स्ट लेक्चर से शुरू, नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, बिकॉज कैलकुलस तो एक प्रैक्टिस है मैंने बताया. जिनमें से पेपर आएगा ऑब्वियसली वो अगले चैप्टर्स होंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बनेंगे, तो वो तो रजिस्टर में बनेंगे. मैं चाहता हूँ कि आपके लूज शीट पे ही कर दो, रजिस्टर पे करना है रजिस्टर पे कर दो, बट मेरे को आपको सबमिट करनी है ये असाइनमेंट विद सॉल्यूशन. आप सॉल्व करो, वो इसलिए कि टेस्ट में मैं आपको रॉन्ग करने की बजाय मैं आपके स्टेप्स इनिशियली चेक कर लेना चाहता हूँ, ताकि पूरे साल ना मैं परेशान रहूँ ना आप परेशान रहो. तो मैं सिर्फ मेथड चेक करूँगा आप कैसे अपने क्वेश्चंस करते हो, तो आप नेक्स्ट टाइम सबमिट करोगे इस शीट को. जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ रिसेप्शन पे जाएं और सब्जेक्टिव शीट नंबर 1 वहाँ से प्रिंट आउट ले लें, ठीक. तो जो लोग एब्सेंट होते हैं वो ऑब्वियसली मेरी बात नहीं सुन सकते, तो आप लोग प्लीज़ अपने रिसेप्शन से ये शीट लें, ठीक. तो शीट नंबर 1, और आपको भी प्रैक्टिस करनी है और मुझे डिपॉजिट करनी है, ठीक. तो शीट नंबर 1 पकड़ो, एक मिनट, ये ले लो ले लो. कितने हैं, 3 हैं, दे दो मेरे को, दे दो. मिल गई, एक ले लो, ठीक है. और किसी को, ठीक है ठीक है. देखो इस शीट के अंदर, इस शीट के अंदर पहला क्वेश्चन देख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सारे क्वेश्चन के आगे क्या लगेगा, डी बाय डी एक्स, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1993 का आंसर 0, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट 0, और मैथ्स में स्मॉल ई भी कांस्टेंट होता है एक्सपोनेंशियल, तो इसका भी आंसर 0. चलो एक आंसर तो आपको पता लग गया. नेक्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन सबके आगे क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स, यू बाई वी के फॉर्मुले टेस्ट हो रहे हैं. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में यू इंटू वी टेस्ट हो रहा है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में और सेवन्थ में, सब यू इंटू वी से सॉल्व होगा, ठीक. क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी तो इसमें डी बाई डी टी लगेगा, यू बाई वी का फॉर्मूला लगेगा. और बाकी क्वेश्चन जो आज मैंने करवाए बिल्कुल रेट ऑफ चेंज थ्योरी के क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं. तो अगली बार जो भी डाउट होंगे इसमें से आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं आएगा मैं सॉल्व करूंगा सारा, फिर हम इसके अगले लेवल पे मूव करेंगे.